नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज आपके साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सुरेश पुजारी है, जो मुंबई का गैंगस्टर, जो अपने आप को जिसने कहा कि मैं डॉन हूं, और उल्लास नगर में काफी कुछ उसने अपना होल्ड रखा, उसको फिलीपींस में अरेस्ट कर लिया गया है। फिलीपींस के पराना के करके एक सिटी है, वहां से सुरेश पुजारी को अरेस्ट किया गया। जो खबर आ रही है फिलीपींस से, वो इस प्रकार से आ रही है कि 2019 से ये जो सुरेश पुजारी है, ये वहां ओवर स्टे किया, और ओवर स्टे करने की वजह से सुरेश पुजारी को अरेस्ट किया गया। और जब अरेस्ट किया गया तो उसकी असली आइडेंटिटी पता चली। 2011 में सुरेश पुजारी रवि पुजारी से अलग हो गया था, और काफी कुछ अपने अलग होने के बाद अपना एक पहुंच और अपनी एक पहचान बनाने की प्रयास कर रहा था। दूसरी तरफ सुरेश पुजारी जो है, वो रवि पुजारी से अलग होने के बाद भी रवि पुजारी के संपर्क में रहा। संपर्क में रहने के बाद जो है, इन दोनों ने काफी कुछ जो है मिलके कुछ काम किए एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। और सुरेश पुजारी फिलीपींस आता जाता रहता था, हांगकांग से, इंडोनेशिया से और एक आध कंट्री से, और वो हमेशा फिलीपींस में आके अपना बेस बनाया। अब ओवर स्टे क्यों किया ये नहीं पता है। सेकंड एक और चीज है जो सामने आएगी कि ये फिलीपींस में क्या बिजनेस कर रहा था, ये बहुत जल्दी ही सामने आ जाएगा कि ये किस बेस पे वहां पे वीजा लेता था फिलीपींस पे। और दुनिया जानती है कि फिलीपींस बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कंट्री है। वो माफियाज के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट के माफियाज है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत कुछ फिलीपींस में रहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ फिलीपींस में मैनेज हो जाता है करप्शन की वजह से। करप्शन तो अपनी हर कंट्रीज में है, दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट माफिया, मैं हमेशा कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट माफिया, जो स्पेशली जो वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया और समटाइम्स ऑस्ट्रेलिया के जो माफियाज हैं, वो अक्सर फिलीपींस में ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि बहुत सेफ हैवन फिलीपींस को माना जाता है। दूसरी तरफ फीजी है, फीजी को भी बहुत फिलीपीन आई मीन क्रिमिनल्स जो है, माफियाज जो है, वो सेफ हैवन मानते हैं, सेफ कंट्री मानते हैं। तो जो सुरेश पुजारी पकड़ा गया, वो पराना के सिटी से पकड़ा गया, और 2019 से वो वहां ओवर स्टे कर रहा था, और शायद यही कारण था कि सिर्फ ओवर स्टे की वजह से। जो नाम सामने आ रहे हैं कि वो किन नामों का उपयोग करता था, वो नाम थे सतीश पुरी, सतीश पाल, इन तरीके के नामों का वो उपयोग करता था। और दूसरी तरफ शायद इसको इंडिया नहीं लाया जाए, क्योंकि इसको हो सकता है कि एफबीआई के हाथों में दे दिया जाए, क्योंकि एफबीआई भी इसके पीछे है, और उसने एफबीआई ने भी सुरेश पुजारी को अपनी लिस्ट में मोस्ट वांटेड रखा है। तो हो सकता है कि शायद सुरेश पुजारी इंडिया ना लाया जाए और सीधे एफबीआई को देके उसको डिपोर्ट कर दिया जाए फिलीपींस से। सुरेश पुजारी के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे जैसे नए खुलासे आएंगे, खुलासे आजकल सभी बोलते हैं, तो मैंने भी मजाक मजाक में बोलना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे जैसे जैसे फैक्ट सामने आते जाएंगे, वो हम आपको शेयर करते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विराम।